फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स टाइप वोल्टेज सबसे पहला का रिलैक्सेशन दूसरा नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक हार्ट रेट आइनोट्रोपिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ड्रोमोट्रॉपिक कंडक्टिविटी याद करने का निमोनिक पहले बता चुका हूँ स्मूथ मसल्स में डायहाइड्रोपेडीस निफिडिपिन मोस्ट मार्क्ड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड जो होते हैं जैसे और ये जो होते हैं वो हाइपरटेंशन में देते हैं हम डाइड्रोपेडीन ठीक है दिस इज अकानिज्मिकवरी होती है टाइम डिपेंडेंट दैट इज डिलेड बाई विराज ठीक है अब क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं वो आप लोगों को याद रखना जरूरी है विरापामिल ब्लड वेसल को वेसोड तीनों करते हैं मैक्सिमम डन बाय ठीक और जो रेट को इफेक्ट करते हैं वो डेंटिस्ट्री में क्या इंप्लिकेशन होता है इट कैन कॉज गम हाइपरप्रीजिया विरापामिल कॉजेज वेसोडिटेशन एज वेल एज कार्डिय डिप्रेशन ब्लड प्रेशर तो कम करता ही करता है साथ ही साथ ब्राडी कार्डिया मैंने बताया स्लोइंग ऑफ इटर कंडक्शन साइनो एटेरियल से

डेल्टियाज की लेस मार्क्ड कार्डियो डिप्रेसेंट एक्टिविटी होती है कॉजेज फॉर एन ब्लड प्रेशर विद लिटिल चेंज और डिक्रीज इन हार्ट रेट माइलर साइड इफेक्ट ड्रग इंटरक्शन इंडिकेशन सेम एज फॉर वेरापामिल निफिपीन इज अ रैपिडली एक्टिंग डाहाइड्रोपेडीन विद शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट्स आर पैल्पिटेशन फ्लशिंग एंकल एडिमा एंकल एडिमा याद रखिएगा हेड एक पैराडॉक्सिकली वर्स एंजाइना हाइयर मोटा ये आप लोग मुझे बताओगे क्यों होता है

आफ्टर लोड इज रिड्यूस्ड बाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ठीक है दे कैन इंक्रीज कॉरोनरी फ्लो इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स दिस इज अनलाइकली टू बी सिग्निफिकेंट इन पेशेंट्स विद फिकल आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ जाती है आदमी ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकता है मायोकार्डियल स्टीमिया कैन बी एग्रीवेटेड बाई शॉर्ट एक्टिंग डायाइड्रोपेडीन ठीक है ये बढ़ सकता है डिक्रीज कॉरनरी फ्लो सेकेंडरी टू फॉल इन मील आर्टेरियल प्रेशर रिफ्लेक्स टाकी कार्डिया रिफ्लेक्स आई कार्डिया के होते हैं बेरोप्टर रिफ्लेक्स एव एक्सप्लेन कॉरनरी स्टील फिनोमिन के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे ट्रायल्स यूजिंग हाई डोज रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग निफिडपिन फॉर्मुलेशन हैव इंक्रीज मोर्टालिटी अमंग मायोकार्डियन इन्फॉक्शन पेशेंट्स थोड़ा सा जरा संभल के इनको देना होता है द सडन रश ऑफ सिंपथेटिक एक्टिविटी वोक बाई ईच डोज ऑफ दीज प्रिपरेशन

ठीक है तो वेरिएंट एंजाइना को ये प्रिवेंट कर सकते हैं वेरिएंट एंजाइना ड्यू टू तो आर्टेरियल स्पाजम अभी बता देता हूँ प्रिंट मटेरियल वेरिएंट एंजाइना में स्पाजम हो जाता है ठीक और यूजेस कहां कहा इसके होते हैं हाइपर टेंशन में कार्डिक एरिमियाज में वेरापिन और डिल्टियाज डिलटियाम आर वेरी इफेक्टिव फॉर पेरॉक्सिसमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टाक कार्डिया एंड फॉर कंट्रोल ऑफ वेंट्रिकुलर रेट इन सुपरा वेंट्रिकुलर एरि ठीक है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में देते हैं क्योंकि इसका नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन यानी कि कंट्रैक्टिलिटी को कम करता है ठीक द नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन ऑफ वेरापामिल कैन बी इफेक्टिव इन दिस कंडीशन